खबर झारखंड के पलामू से है, जहां पर उपायुक्त आंजने युलू डोडे ने विधि व्यवस्था से संबंधित सभी पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर संवादहीनता नहीं रहे, सभी अपने अपने विभागीय कार्यों को आपसी समन्वय से अंजाम देते रहें। वे आज कलेक्ट्रेट के सभागार में पुलिस अधीक्षक समेत सभी एसडीओ एसडीपीओ अंचल अधिकारी थाना प्रभारियों और डीएमओ के साथ विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उपायुक्त श्री डोंडे ने कहा कि आगामी मोहर्रम पर्व के मद्देनजर अलर्ट रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहर्रम का ताजिया जुलूस निकालने से पूर्व सभी एसडीओ जुलूस का रूट वेरिफिकेशन कर लें। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की आपत्तिजनक गानों पर पूर्ण रूप रोक लगाने की बात कही है। पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया ने। खबर बेतला बरवाड़ी से है, जहां पर बेतला नेशनल पार्क के वन प्रक्षेत्र के जंगलों में इन दिनों वन विभाग की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चला जा रहा है। उसी के क्रम में अभियान के तहत बीती रात वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। विभागीय टीम ने 3 शासकियों को टांगी और हिरण के कच्चा मांस व पक्का मांस के साथ गिरफ्तार किया है। शिकारियों को गिरफ्तार कर बेतला रेंज कार्यालय लाया गया। बरवाड़ी से अक्रम अंसारी की रिपोर्ट टीवी वन इंडिया न्यूज।